अल्लाह अकबर। खुशांदीद यारान तरीकत। कैसे हैं आप कमाल भाई? अल्लाह का करम है शेख मोहतरम, बुढ़ापे के अलावा कोई परेशानी नहीं। बाग कैसा चल रहा है आपका? पैदावार तो ठीक है ना? क्या अर्ज करूं शेख, मेरे दो ही बेटे हैं, दोनों निकम्मे दोनों नालायक। सेब का बाग झाड़ झंकार बन के रह गया है। जाहिर है बाग को तो हर रोज देखभाल चाहिए। हकीकत पर गौर करो तुम, बाग को जब भी पानी दिया जाएगा तो सेब के साथ झाड़ झंकाड़ भी उगेंगे। पानी को इससे गर्ज नहीं होती कि कोई सेब है या कांटा, जमीन पथरीली है या जरखेज मेरे फसंदो, पानी में तो अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि कांटेदार और फलदार दोनों को सींचता है। अगर पानी में कांटे उगाने की सलाहियत न होती तो क्या मीठे रसीले सेब उगा सकता था कमाल भाई? इसी सबब से अगर आपके बेटे निकम्मे और नालायक भी हैं तो उन्हें बुरा मत कहें कभी भी। अगर आपके घर में प्यारी प्यारी बेटियां होती तो हजरत फातिमा की मिसाल गुलाब का फूल होती। माँ बाप के लिए बेटे बेटियां एक से होते हैं। कुदरत भी पानी की मानद है। आदमी के दिल में कांटे और फूल दोनों उगाती है। ये ऐसी नेमत है कि हर जानदार हर शय को इससे फायदा पहुंचता है। अब जरा अपनी इस मुख्तसर सी महफिल पर गौर कीजिए, कौन कौन फूल हैं कौन कौन कांटे। एक बूढ़ा नीम नाख्वानदा दरवेश, उसकी सोहबत में बैठने वाले सब लोग फूल तो नहीं बन सकते कभी। मैंने कभी वैशी की हिकायत सुनाई है तुम लोगों को? वही उहद में हजरत हमजा को शहीद करने वाला वैशी। हजरत हमजा इस्लाम लाने वालों में मुमताज हैसियत रखती थे। उहद के मार्के में कुफार उनसे बढ़कर किसी मुसलमान से खौफजदा न थे। वो जब 8 काफिलों को जहन्नुम रसीद करके लश्करे कुफार पर दोबारा हमला आवर हुए तो वैशी एक जानिब अलग घात लगाए खड़ा था। उसने चुपचाप उनका निशाना लिया। ये काम उसे अबू सुफियान की जोजा हिंद ने सौंपा था। वो फकत हजरत हमजा के कत्ल के लिए जंग के मैदान में आया था। हजरत हमजा उससे बेखबर शेर की तरह काफिरों पर हमला आवर हो रहे थे। वैशी ने अपने नेजे से उनका निशाना बांधा। अल्लाह के शेर मोमिनों में सबसे जरी हजरत हमजा वो नेजा लगने से उहद के मैदान में शहीद हो गए। हालांकि नबी आखिर जमा को भी खूब पहचानता था वैशी। छोटा सा शहर था मक्का, उसने बारह देख रखा तो यूं हमजा जैसे फूल की भी परवरिश हुई उसी जगह पर और वैशी जैसे बुझे कांटी की भी। कुदरत फर्क कुछ नहीं करती कि उगने वाला फूल है या फिर कोई कांटा। हालांकि जब कांटे हद से बढ़ जाएं तो फूल मुरझाने लगते हैं। बताओ तो क्या कांटा फूल नहीं बन सकता? जैसे लोहा पानी पीकर फौलाद बन जाता है उसी तरह कांटा भी पानी पीकर फूल बन सकता है। ये काम अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं, मगर होता कैसे है तो सुनो तौबा से।
क्या शय है ये तौबा, वही जो कांटे को पूर्ण बना देती है।